विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जो अपनी धर्मनिरपेक्षता, संस्कृति व ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के लिए जाना जाता है। भारत की विकासधारा निरंतर प्रवाहमान है और इस विकासधारा में महत्वपूर्ण सहयोग दे रहे हैं हमारे ग्राम, और साथ ही इस विकास का महत्वपूर्ण श्रेय जाता है मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा गठित प्रस्फुटन समितियों को, जिनके सार्थक प्रयासों से ग्रामों को आदर्श ग्राम बनाने में सफलता मिल रही है, वो भी 100%। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उन्होंने जो स्वच्छता और सामूहिकता से मध्य प्रदेश का जो दृश्य बदलना चाहिए और एक सपना देखा है कि स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है, तो स्वैच्छिकता के आधार पर समाज को खड़ा करना होगा, और जब समाज उस दिशा में खड़ा होगा तो अपने ग्राम को एक आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित करेगा। वो वृक्षारोपण का मामला हो, पर्यावरण का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, जल संधारण का मामला हो, ऐसी छोटी छोटी चीजों के अंदर सबको साथ बिठाकर इस बात की तरफ इंगित करना कि हम स्वयं अगर कुछ करेंगे तो हमारे ग्राम का भला होगा। जन अभियान परिषद द्वारा गठित प्रस्फुटन समितियों द्वारा समग्र ग्राम विकास के क्षेत्र में अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए कार्य योजना तैयार कर सामूहिक और स्वैच्छिक भावना के साथ उल्लेखनीय कार्य किए जा रहे हैं। प्रत्येक ग्राम में ग्राम के लिए समर्पित भाव से काम करने वाले बड़ी मात्रा में वहाँ के नवयुवक होते हैं, जो अपने गांव में विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। उन नवयुवकों को लेकर वहाँ एक समिति बनाई गई है और उनके मन में एक सपना विकसित किया गया है कि हमारा गांव आदर्श गांव कैसे हो। तो अपने गांव को आदर्श ग्राम बनाने के लिए प्रस्फुटन योजना का प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिसमें ऊर्जा संरक्षण भी है, जिसमें पर्यावरण भी है, और अपनी प्रकृति की मूल जो धरोहर है उसको संजोने के लिए एक विशेष प्रयत्न है। बहुत सारे काम ऐसे हैं जो शासन नहीं कर सकता है, जैसे नशा मुक्ति का क्षेत्र है, पॉलीथिन मुक्ति का क्षेत्र है, कचरा प्रबंधन का क्षेत्र है, जैविक कृषि का क्षेत्र है, ऊर्जा संरक्षण का क्षेत्र है। कुल मिलाकर अपने गांव को एक आदर्श ग्राम का स्वरूप देना है। ऊर्जा अर्थात विद्युत आधुनिकता के इस दौर में जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन चुकी है, लेकिन इसके अपव्यय और विद्युत चोरी ने हमारे सामने ऊर्जा का संकट खड़ा कर दिया है। प्रस्फुटन समितियों ने ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सार्थक प्रयास किया है। उनका संकल्प है बिजली की बचत एवं प्रत्येक घर में विद्युत मीटर लगवाकर बिजली की चोरी रोकना, ताकि भविष्य में ऊर्जा संकट का सामना न करना पड़े। इसके अंतर्गत आज वर्तमान में मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में 6 प्रस्फुटन ब्लॉक विदिशा, लटेरी, सिरोंज, बासोदा, ग्यारसपुर और नटेरन अब दूधिया रोशनी से जगमगा रहे हैं, अर्थात अब हर घर में CFL का साम्राज्य है। देखने में आ रहा है कि देश में एक बिजली का संकट, उससे काफी हम लोग जूझ रहे हैं, तो उसके लिए भी समिति ने प्रयास करा। हमारे ब्लॉक समन्वयकों ने लगातार समिति के साथ बैठकें की, हम लोगों ने उसमें बैठकें की, हमारे संभागीय समन्वयक जो हैं उन्होंने भी लगातार प्रवास के दौरान प्रस्फुटन समितियों के साथ बैठक करके और ऊर्जा बचत के लिए प्रयास हम लोगों ने शुरुआत की, जिसको हम लोगों ने 100% CFL ग्राम बनाने का कंसेप्ट हम लोग ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति के माध्यम से ग्राम स्तर पर लेके आए। शहर में तो CFL सभी लोग लगा लेते हैं, लेकिन गांव में उस गांव को पूर्णतः CFL गांव बनाना एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था। समिति के माध्यम से हमने सबसे पहले गांव का सर्वे कराया। सर्वे में एक आंकड़ा हम लोगों के पास आया कि कितने लोग CFL लगाते हैं, कितने लोग नहीं लगाते हैं। प्रस्फुटन समितियों द्वारा मात्र 15 दिनों में ग्राम सर्वे कर प्रत्येक ग्रामवासी को CFL की जानकारी देते हुए उसकी उपयोगिता के बारे में बताया गया, और साथ ही ऊर्जा बचत के लाभ को बताते हुए पीले बल्बों को हटाकर CFL लगाने का आह्वान किया। CFL का कार्य बहुत चुनौतीपूर्ण था। ये 160 रुपए का बाजार में बल्ब आता था, तो लोग कहते थे कि 10 रुपए और 6 रुपए में बल्ब लगता है, हम क्यों खरीदें? तो उन लोगों को समझाया गया, बार बार मीटिंगें रखी गई गाँव में। विकास की धारा को नए अध्याय से प्रारंभ करते हुए प्रत्येक ग्रामवासी ने अपने गाँव को CFL ग्राम बनाने की इस मुहिम में अभूतपूर्व सहयोग दिया और अपने घरों में CFL लगवा कर ग्राम को 100% आदर्श CFL ग्राम बनाया। और अब
हर घर में सीएफएल के उजियारे से फैल रही है दुधिया रोशनी। ये ग्राम उत्थान समिति द्वारा जानकारी दी गई कि ये पीले बल्ब से जो है आंखों में छुपते हैं और सफ़ेद बल्ब आँख से कोई रोशनी से कोई हानि नहीं होती है और इससे बिजली की बचत होती है, इसलिए आप अपने घरों में जो है सीएफएल लगाएं और बिजली की बचत करें। सो हमने इसको गंभीरता से लेते हुए पूरे घर में 7 बल्ब बदल दिए हैं सीएफएल के, इससे बिजली का खर्च जो है काफ़ी कम हुआ है। पहले हम बल्ब के लाइट में पड़ते थे तो बहुत परेशानी होती थी, आँख पे जोर पड़ता था इस तरह। अब सीएफएल ग्राम समिति द्वारा सीएफएल लगाने से आँखों का जोर भी कम हो रहा है, ऊर्जा की खपत है वो भी कम हो रही है, इससे हमारी ऊर्जा की बचत होती है। अगर पूर्व की ऊर्जा खपत पर गौर किया जाए तो प्रति गाँव लगभग 10,000 वाट की खपत प्रतिमाह होती थी, लेकिन अब सीएफएल ग्राम बनने के बाद ऊर्जा खपत मात्र 1400 वाट रह गई है, अर्थात प्रति सीएफएल गांव औसतन 8600 वाट बिजली की बचत कर रहा है, जिससे ऊर्जा बचत के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता भी हो रही है। 100% सीएफएल ग्राम बन चुके गांव में ब्लॉक स्तर के अधिकारियों द्वारा जब निरीक्षण किया गया तो पाया कि ग्राम का प्रत्येक घर विकास का नया सोपान रच रहा है और 100% सीएफएल आदर्श ग्राम बन चुका है। ऊर्जा बचत को लेकर के हमारे द्वारा भी प्रयास किए गए हैं, सतत ग्राम में बैठकें ली गई हैं और उसमें से ग्यारसपुर विकासखंड के ग्राम गुनुआ में मात्र 10 दिन के अंदर पीले बल्बों का सर्वे कर वहाँ पे सीएफएल बल्ब के लिए लोगों को प्रचार प्रसार किया गया और गांव में सीएफएल बल्ब लगाए गए। 100% सीएफएल बनाने के लिए मात्र 10 दिनों के अंदर गाँव में प्रयास जारी किया गया। विकास की आंखों से अगर हम आंकड़ों पर एक दृष्टि डालें तो पाते हैं कि विकासखंड विदिशा के 450 लोगों की जनसंख्या वाले ग्राम बल्लाखेड़ी में जहां 100 वाट के 90 पीले बल्बों को हटाकर 15 वाट के 100 सीएफएल लगाए गए, वहीं विदिशा विकासखंड के ही ग्राम देवखजूरी में 100 वाट के 420 पीले बल्बों को हटाकर 15 वाट के 420 सीएफएल लगाए गए। ऐसे ही विकासखंड लटेरी के 379 लोगों की जनसंख्या वाले ग्राम उलाखेड़ी में 100 वाट के 104 पीले बल्बों को हटाकर 14 वाट के 83 सीएफएल लगाए गए, एवं इसी विकासखंड के ग्राम रघुनाथपुर में 100 वाट के 57 व मुक्ताखेड़ा में 100 वाट के 117 पीले बल्बों को हटाकर क्रमशः 14 वाट के 42 व 15 वाट के 97 सीएफएल लगाए गए। और विकासखंड बासोदा के 450 लोगों की जनसंख्या वाले ग्राम बगरोदा में 90 पीले बल्बों को हटाकर 15 वाट के 120 सीएफएल लगाए गए। इसी तरह विकासखंड नटेरन, सिरोंज व ग्यारसपुर में भी क्रमशः ग्राम घटवई, थनरपुर, कचनारिया, पैकोली व गुनुआ में भी 100-100 वाट के लगभग 800 पीले बल्बों को हटाकर 15 वाट के 600 सीएफएल लगाए गए। और अब हर ग्राम हर घर रोशन हो रहा है दुधिया रोशनी से। पहले हमारे यहाँ पीले बल्ब लगे थे तो उनकी उस बल्ब में मतलब उस पर रोशनी में बल्ब पीले बल्ब की रोशनी में मैं काम करने में बहुत परेशानी पड़ती थी, उसमें कम भी दिखाई देता था और आँखों पे ज़्यादा ही परेशानी पड़ती थी। लेकिन जब से हमारे गांव में ग्राम सेवा उत्थान समिति आई है तब से हमारे गांव में सफ़ेद बल्ब लग गए सीएफएल बल्ब, तो उनकी वजह से हमारे घर में कोई परेशानी नहीं होती, खूब उजाला होता है, ज़्यादा उजाला होता है उन बल्बों से, तो हमारा काम भी अच्छा हो जाता है और आँखों में भी मतलब असर नहीं करता वो बल्ब, और हम जा कुछ कर सकते हैं। और जो हमारे मतलब फेस पे बार बार फेस जाते थे पीले बल्ब की वजह से, जल्दी डीपी के फेस उड़ जाते थे, तब फेस वगैरह भी नहीं जाते और बल्ब भी हमारे ज़्यादा दिन तक चलते थे, फ्यूज हो जाते थे बल्ब पीले बल्ब जल्दी जल्दी, बल्ब भी फ्यूज नहीं होते जल्दी जल्दी, और बिजली की भी भारी बचत होती है हमारी। विकास की सार्थक पहल में प्रस्फुटन ग्राम विकास समितियों द्वारा 100% सीएफएल ग्राम बनाने के बाद अगली कार्य योजना में
प्रत्येक घर में ऊर्जा बचत हेतु मीटर लगवाकर ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में कार्य किया जा रहा है, जिससे ऊर्जा बचत के साथ साथ विद्युत चोरी पर अंकुश लगाया जा सके एवं हम गर्व से स्वागत कर सकें रोशनी से जगमगाते स्वर्णिम मध्य प्रदेश का।